कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब मौजूद है, राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला साहब मौजूद है, बधाइयों का दौर जारी है। ये दो दो सवाल सबसे पूछेंगे। सबसे पहले तो बराला साहब से पूछते हैं, कैबिनेट मंत्री बनाया गया बेदी साहब को, इनको लेकर क्या कहेंगे जो अहम जिम्मेदारी दी गई है? देखिए, एक बहुत पुराना कार्यकर्ता, इसने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें जब हरियाणा प्रदेश में लगाने का काम था, मजबूत करने का काम था, उस समय के कार्यकर्ता हैं भाई कृष्ण बेदी जी, हमारे छोटे भाई हैं। मेरे साथ युवा मोर्चा में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था 2000 में, तब युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी इनके मजबूत कंधों पर होती थी कुरुक्षेत्र की। तो ऐसे बहुत अनुभवी कार्यकर्ता हैं, इनका संगठन में भी अपना अनुभव है, चाहे वो पार्टी के जिला अध्यक्ष, मोर्चों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश में एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश में पार्टी में महामंत्री, हरियाणा सरकार में विधायक बने, फिर मंत्री बने। मैं समझता हूँ इस प्रकार का अनुभव जिस कार्यकर्ता का है, निश्चित रूप में नायब सैनी जी की कैबिनेट में इस प्रकार के हमारे हीरे हैं पार्टी के ग्राउंड लेवल से। कैबिनेट की बात करें, मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब की बात करें, दूसरी बार उतली है, पूरी कैबिनेट को कैसे देखते हो और मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी क्योंकि उत्साह से भरपूर हैं, ऊर्जा है और संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और एक अच्छी बात यह है कि वो योद्धा की तरह लड़ करके जीत करके आए हैं, और पिछले 56 दिन का उनका मुख्यमंत्री के रूप में जो एक अनुभव है उसके आधार पे, और अनुभवी टीम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मंत्रिमंडल में आई है, उसके साथ साथ जो उत्साही नौजवान हैं वो भी मंत्रिमंडल में, मतलब आप लोगों ने लिया है, वो वायदे पूरे होंगे 5 साल में? निश्चित रूप से वायदे पहले पूरे हुए, इसलिए तो हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के सिर पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी का ताज रखा है। बेदी साहब 2014 में राज्य मंत्री और अब कैबिनेट मंत्री, पार्टी ने जो जिम्मेदारी सौंपी है कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने 1996 से पार्टी की पदों पर काम की शुरुआत की, संगठन को समझने की शुरुआत की, संगठन में काम सीखने की शुरुआत की, और जैसे आदरणीय बड़े भाई हमारे सुभाष बराला जी मेरे तो मार्गदर्शक भी हैं, और इनका हमेशा आशीर्वाद दोनों हाथों का मेरे सिर पर बना रहा, इनके उंगली पकड़ के मैंने संगठन काम भी सीखा और संगठन का काम किया भी। युवा मोर्चा का हो, चाहे अनुसूचित जाति मोर्चा का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी हो, चाहे प्रदेश के किसी भी जिम्मेवारी हो, सभी पे अनुभवी इनका लेकर हम काम करते रहे। और विशेष तौर से इस चुनाव की यदि बात करूं, हालांकि परमात्मा ने हमारा, मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि हमारे भाई हमारे बीच में बिल्कुल स्वस्थ हैं, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, परिवार को भी जो सदमा लगा, हमें भी उस दिन बहुत बड़ा सदमा लगा, मेरे पास ही आना था रात को उनको, जैसे ही थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लगातार फोन पर एक एक गांव में हर वर्ग के लोगों के साथ, यदि सारी जीत का श्रेय दूं, पूरे संगठन की बात करूं, पूरे नेतृत्व की बात करूं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम भाई सुभाष बराला जी ने किया, और अपनी पूरे सभी साथियों को लगाकर जिस चुनाव को जीतने का, क्योंकि मेरे पास क्योंकि जो आपका हल्का है नरवाना हल्का, अगर द्रौपदी धमतानु साहिब उस साइड के गांव की बात करें, ज्यादातर लोग टोहाना रहते हैं, तो इनका रोल आप बता रहे हैं, एज ए प्रदेश अध्यक्ष भी, एज ए पार्टी के नेता के रूप में भी, उन लोगों का, क्योंकि हमारा विधायक लंबे समय से कभी बना ही नहीं है, नरवाना तो खाली था, और जैसा हर जगह होता है, जैसे मैं शाहबाद का विधायक था और कैथल के और जिलों के लोग आके मिल जाते थे, तो जैसे द्रौपदी का है, चाहे धमतान का है, चाहे धनोरी का, जहाँ जो बहुत बड़ा नवगत जी का जो कार्यक्रम वहाँ पे आयोजित किया, उसमें बहुत बड़ी भूमिका माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के तौर पर बराला जी की रही, उसके साथ साथ जितने खड़ वाले गाँव हैं, नहरे हैं, अमरगढ़ है, फ्रैण है, एक एक गाँव के अंदर व्यक्तिगत तो भाई साहब का संबंध था, और सारी टीम ने जुट के काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम संपूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में बना सके, और माने नायब जी का और नेतृत्व संपूर्ण बहुमत की बन गई, आप कैबिनेट मंत्री बन गए, पूरी कैबिनेट को कैसे देखते हैं, नायब सिंह सैनी साहब को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप की काफी पुराना दोस्ताना है नायब जी का भी, एक ही टीम के हम, बराला जी ने हमारा नेतृत्व किया, और कभी की मैं आज से 15 साल पहले की बात करता हूँ, तो 20 साल पहले की बात करता हूँ, जब भाई साहब हमारे युवा मोर्चा के नेतृत्व करते थे, तब इन्होंने कहा था कि आने वाली बीजेपी युवा मोर्चा होगी, और आज जब चारों तरफ अपने 20 साल पहले एक गाड़ी में चलते, बिल्कुल इकट्ठे सभी लोगों ने इकट्ठे एक दरी पर सो के हमने गुजारा किया, सभी ने, ऐसा हालात थे पार्टी का जब काम करते थे। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, नायब जी आपको मधुभाषी लगते हैं, सौम्य लगते हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन लगते हैं, परंतु उनका जो दृढ़ निश्चय है ना, जो कह दिया सो कर दिया, उस बात की तरफ कम लोगों का ध्यान जाता है। उन्होंने कहा था कि शपथ लेने से पहले 24,000 नौजवानों को रोजगार देकर मैं जब शपथ लूंगा, कितनी दृढ़ निश्चय की बात थी, और चुनाव के अंदर जो वादा किया उसको पूरा किया, संकल्प पत्र की बात,
भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक छवि बनाई है, जो कहा है उतना ही कहा है जितना कर सकते हैं, और जितना कर सकते हैं उतना ही हम कहते हैं। मनोहर जी का कल इंटरव्यू था तो उन्होंने यही बात तो कही, मोदी जी भी जो कहते हैं उसके पीछे एकदम से लगते हैं। जो संकल्प पत्र में हमने जो वादे किए हैं लोगों से, हरियाणा प्रदेश की जनता को, उसको तो पूरा करेंगे, उसके अलावा भी जितनी ताकत से सेवा करने का हमें और अवसर मिलेगा उतनी भी उससे ज्यादा करने का। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? और लोकसभा तो एक ही, आपके सिरसा लोकसभा सीट से आप दोनों नेता आते हैं, उस इलाके के लिए कि आपका क्या सपना है? उस इलाके की यदि बात करूं तो हमारी प्राथमिकता चाहे इरिगेशन का पानी है, चाहे पीने का पानी है, बहुत बड़ी समस्या, खासतौर से बनैन खाप के जितने भी गाँव हैं वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। उसको एक प्रोजेक्ट के तौर पर मैं लेने का काम करता हूँ, परंतु स्वास्थ्य और शिक्षा का, चिकित्सा और शिक्षा दोनों भी काफ़ी उस क्षेत्र के अंदर पिछड़ी हैं। हालांकि मुझे, मैंने सर्वे किया तो वहाँ से HCS, IAS, IPS बहुत अधिकारी हमारे देश में, प्रदेश में, सरकार के अंदर भी हैं, परंतु जो शिक्षा का लेवल बढ़ना चाहिए था वो कहीं ना कहीं गिरा है। कुछ शिक्षण संस्थाओं पर राजनीतिक लोगों का प्रेशर है, उस प्रकार की मुझे जानकारी मिली है, परंतु इतना मजबूत वहाँ का हमारा नौजवान है, यदि हम खेलों की तरफ ध्यान दें, खेल सुविधाओं की तरफ ध्यान दें, तो देश के अंदर एक विशेष परचम धरवाणा क्षेत्र का, टोहाना क्षेत्र के नौजवान फहरा सकते हैं। साहब से करते हैं, कृष्ण बेदी साहब के मंत्री बनने से सिरसा लोकसभा हो, जींद जिला हो, इस इलाके में क्या असर जाएगा? देखिए, इस इलाके में भी जाएगा और पूरे प्रदेश में भी जाएगा, क्योंकि कृष्ण बेदी जी का अनुभव संगठन में काम करने का पूरे प्रदेश के अंदर रहा है, पूर्व के मंत्री के नाते भी रहा है। लेकिन आपने जहाँ लोकसभा का सवाल किया है, तो निश्चित रूप से इस लोकसभा में फतेहाबाद जिला कहें या आप जींद जिला भी पूरी तरह से भाजपा में हुआ है। फतेहाबाद जिला में भी 3 सीटें हमने कभी न कभी जीती हैं, यानी कि पिछले 2 टर्म में 3 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की जीत कर लेकर के आए थे। हम सब मिल करके उस पूरे क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, उसको भविष्य के अंदर और ज़्यादा मजबूत करने का काम। आपका स्वास्थ्य ठीक है? क्योंकि चुनाव में आपका एक्सीडेंट होता, स्वास्थ्य अब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल अब ठीक है, परमात्मा के आशीर्वाद से, अब सब भारत पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रार्थनाओं से बिल्कुल ठीक है। देखिए, बेदी साहब थे, बिराला साहब थे, दोनों ही वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, और कहीं ना कहीं बेदी साहब के बनने से कहीं ना कहीं भाजपा को काफ़ी फायदा होगा।